गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अभी तक हमने एक की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखा है। बच्चों आज हम एक की मात्रा वाले छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बनी हुई छोटी छोटी पंक्तियों का उच्चारण करेंगे, इन्हें गाकर पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमने एक की मात्रा वाले शब्दों का कितना अभ्यास किया। बच्चों सबसे पहले हम इस चित्र को देखेंगे जिसमें एक लड़का एक लड़की जिसके पास तकिया है, एक नदी और सूरज दिखाई दे रहा है। आइए बच्चों अब इन पंक्तियों को पढ़ें और जानें कि इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। निशा दिन निकल आया, तकिया लाई बिटिया छाया, रवि नदिया पर आया, नदिया पर आकर तिलक लगाया। बच्चों इन पंक्तियों से हमें क्या पता चल रहा है, निशा एक लड़की है, उसे बताया जा रहा है निशा दिन निकल आया है, ये लड़की छाया है, छाया तकिया लेकर आई है, ये लड़का रवि है, रवि नदी पर आया हुआ है और रवि ने नदी पर आकर ही तिलक लगाया है। बच्चों आइए फिर से इन पंक्तियों को गाकर पढ़ें। निशा दिन निकल आया, तकिया लाई बिटिया छाया, रवि नदिया पर आया, नदिया पर आकर तिलक लगाया। बच्चों अब आइए इस चित्र को देखें। इस चित्र में तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का कुछ पढ़ रहा है, दूसरा लड़का कुछ लिख रहा है, तीसरा लड़का एक साइकिल पर बैठा हुआ है जिसके पास एक गिटार है। आइए बच्चों इन पंक्तियों को पढ़ें और जानें कि इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। आइए बच्चों इन पंक्तियों को गाकर पढ़ें। अमित पढ़ता आज किताब, सचिन लगाता अपना हिसाब, किशन साइकिल पर आया, अपना एक गिटार लाया। बच्चों इन पंक्तियों से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो लड़का पढ़ रहा है ये अमित है, देखिए इसके पास एक किताब है, ये इसे पढ़ रहा है, ये लड़का जिसके हाथ में कलम है ये अपना हिसाब लगा रहा है, यह सचिन है, यह लड़का किशन है, किशन साइकिल पर आया है और किशन के पास एक गिटार है। आइए बच्चों फिर से इन पंक्तियों को गाकर पढ़ें। अमित पढ़ता आज किताब, सचिन लगाता अपना हिसाब, किशन साइकिल पर आया, अपना एक गिटार लाया। आइए बच्चों फिर से इन पंक्तियों को गाकर पढ़ें। निशा दिन निकल आया, तकिया लाई बिटिया छाया, रवि नदिया पर आया, नदिया पर आकर तिलक लगाया। अमित पढ़ता आज किताब, सचिन लगाता अपना हिसाब, किशन साइकिल पर आया, अपना एक गिटार लाया। बच्चों आप भी इन पंक्तियों को ऐसे ही गाकर इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।